Hello everyone, my name is Parneet Singh, a professional Chinese language trainer and translator. So, आज हम इस वीडियो में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे भी. Okay? So now, let's start. वदा भंग्यो चंग में सोंग इंतु ताव थाइवान लाय वान सांग ली पाए था शियन सोंग शिंता ली चो फेची ताव थाइ को जाय चुन ची ताव थाइवान. अब इसको समझते हैं. सबसे पहले लिखा है वदा भंग्यो चंग में, मतलब कि माय फ्रेंड चंग में. ओके, ये चंग में ही है जिसके बारे में इस पैराग्राफ में बात हो रही है, जो कि इंडिया से आई है ताइवान घूमने के लिए. ओके, उसके बाद लिखा है सोंग इंतु ताओ ताइवान. मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे सोंग इंतु ताओ ताइवान, मतलब कि फ्रॉम इंडिया टू ताइवान. ये एक कंस्ट्रक्शन होती है चाइनीज में, अगर आपको पता हो, सोंग शमा शमा ताओ की. ओके, ये वही यूज हो रही है यहाँ पे, बहुत इजी है. सोंग इंतु ताओ ताइवान, मतलब कि फ्रॉम इंडिया टू ताइवान. उसके बाद लिखा है लाए वान सांग ली पाए. लाए वान मतलब कि वो आई है घूमने के लिए. वान का मतलब होता है, जिसको वार भी कहते हैं, इंजॉय करना और टू हैव फन. ओके, सांग ली पाए. सांग ली पाए का मतलब कि फॉर थ्री वीक्स. सांग मतलब थ्री एंड ली पाए मतलब वीक्स. ओके, सो इस पूरी लाइन का मतलब है मेरी फ्रेंड चंग में इंडिया से आई है ताइवान घूमने के लिए थ्री वीक्स. ओके, वो तीन वीक्स घूमेगी यहाँ पे. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. था शियन सोंग शिंता ली चो फेची ताओ थाई को, मतलब कि वो सबसे पहले फ्लाइट लेगी न्यू दिल्ली से थाईलैंड तक की. ओके, क्योंकि उसको जाना तो वैसे ताइवान ही है डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी होता क्या है, कई जगहों पर डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती, तो हमें बीच में ट्रांसफर करनी पड़ती है फ्लाइट्स, राइट? तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो उसने क्या किया, सबसे पहले फ्लाइट ली कहाँ तक की, थाईलैंड तक की. वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, थाईलैंड. ओके, उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है जाय चुआन ची ताओ ताइवान. जाय चुआन ची ताओ ताइवान, जाय मतलब अगेन, चुआन ची हेयर मीन्स टू ट्रांसफर फ्लाइट्स. ओके, ताओ ताइवान मतलब ताइवान पहुंचने के लिए. सो सबसे पहले वो न्यू दिल्ली से कहाँ जा रही है, थाईलैंड. फिर थाईलैंड से वो ट्रांसफर करेगी फ्लाइट कहाँ पहुंचने के लिए, ताइवान. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. सो इस पूरी लाइन का मतलब यही है, इस पहले पैराग्राफ का मतलब यही है कि मेरी जो फ्रेंड चंगमे है वो इंडिया से ताइवान आई है घूमने के लिए थ्री वीक्स के लिए. ओके, तीन वीक्स के लिए आई है घूमने. उसके बाद लिखा था उसने क्या किया, उसने सबसे पहले न्यू दिल्ली से फ्लाइट ली थाईलैंड के लिए, मतलब वो सबसे पहले थाईलैंड पहुंची, फिर उसने थाईलैंड में ट्रांसफर करी फ्लाइट को, ट्रांसफर करी फ्लाइट, उसके बाद पहुंची ताइवान. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. सो अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. तावले ची छांग ई हो चंग में चुचिए चो चिए युन छू चोतियन इन वे वो ई चिंग काउ सो थाल जाय थाई पे चे युन छ जुए फांग पियन द यो भियनी यो शूफू. ओके, सो अब इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं. सबसे पहले लिखा है तावल ची छांग ई हो, मतलब कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद. ओके, तावल का मतलब होता है कहीं पहुंच गए आप ऑलरेडी. ओके, ताओ मतलब होता है टू रीच. ओके, तावल यहाँ पे पास्ट टेंस में है. ओके, तो तावल मतलब आप कहीं ऑलरेडी पहुंच गए. उसके बाद लिखा है ची छांग. ची छांग का मतलब होता है एयरपोर्ट. ओके, आप पहुंच गए एयरपोर्ट ऑलरेडी. उसके बाद लिखा है ई हो, मतलब आफ्टर दैट, मतलब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चंग में. उसके आगे लिखा है चंग में. अब चंग में ने क्या किया, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. जो चिए युन छू चोतियन, मतलब जो मतलब टू टेक और टू ट्रैवल बाय, जैसे हमने अभी फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था. ओके, अब यहाँ पे ये जो चिए युन है, चिए युन का क्या मतलब होता है, चिए युन है मेट्रो, MRT. आपको शायद पता होगा कि ये जो ताइवान की कैपिटल है ये है थाइपे, और जो थाइपे में जो मेट्रो चलती है जिसको हम बोलते हैं MRT, इसकी फुल फॉर्म है मास रैपिड ट्रांसिट. ओके, सो ये MRT चलती है थाइपे में, जो ताइवान की कैपिटल है, इधर मेट्रो को MRT कहा जाता है. ओके, और अच्छी बात यह है कि जो ताइवान की ये जो मेट्रो है इसमें चेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, जैसे यहाँ पे आप अंदर जाने से पहले चेकिंग होती है बैग्स वगैरह की, ठीक है, पॉकेट्स वगैरह की, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है चेकिंग.
ओके, सो बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही सेफ सिटी है थाईपे। ओके, तो थाइवान वैसे ही बहुत सेफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छ्यू च्यो तियन, मतलब वो जाएगी कहाँ पे, होटल में। सो यहाँ पे चोतियन तक का मतलब है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चंगमे ने क्या किया, चंगमे ने डायरेक्टली एमआरटी ली, डायरेक्टली मेट्रो ली उसने होटल में जाने के लिए। ओके, यहाँ पे ये जो चर्चिए है, चर्चिए का मतलब होता है डायरेक्टली। ओके, चर्चिए। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन वे मतलब बिकॉज, वो ई चिंग का उसका थाला, मतलब जो उसकी फ्रेंड है उसने उसको ऑलरेडी बोल दिया था। वो ई चिंग ऑलरेडी, काउसो काउसो मतलब टू टेल समथिंग, थाला ऑलरेडी उसने बोल दिया था उसको। क्या बोल दिया था, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। जाए थाइपे, मतलब थाइपे में चियेयुन जो एमआरटी है, श्रज्वे फांगपियन द, ज्वे फांगपियन द मतलब कि बहुत ही कन्वीनियंट है। क्या कन्वीनियंट है, वहां की जो एमआरटी है, वहां की जो मेट्रो है बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। ओके, उसके बाद कॉमा के बाद लिखा है यो फियनी यो शुफू, मतलब कि एक तो चीप है ऊपर से कंफर्टेबल भी है, मतलब वो चीप भी है और कंफर्टेबल भी है। और ये जो यो फियनी यो शुफू, ये जो यो दो बारी आ रहा है, ये ग्रामर है HSK 3 की, अगर आपने पढ़ी हो। ठीक है, और अगर किसी को समझना है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं आपको बता दूंगा। सो इस पूरे पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ का मतलब ये है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चंगमे ने क्या किया, चंगमे ने डायरेक्टली वहां की एमआरटी ली होटल में जाने के लिए, होटल पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है उसने उसको ऑलरेडी बोल दिया था कि जो थाइपे की जो एमआरटी है वो बहुत ही कन्वीनियंट है। ओके, अब वो कैसे कन्वीनियंट है, एक तो वो चीप है ऊपर से वो कंफर्टेबल भी है। ओके, चीप भी है और कंफर्टेबल भी है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नाउ थर्ड पैराग्राफ। सो अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चंग मे चुए द थाइपे चपियन द च्याउ थोंग फे छांग पियन ली ताउ छू तो यो कुंग छ छू जू छ हायो चिये युन छ्यू नाली तो हन फांग पियन थाइपे चिये युन द लुशियन पुफू चा छ फ्याओ ये पुक्वे। सब लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लिखा है चंगमे चुएदा, मतलब कि चंगमे को लगता है, चुएदा मतलब टू फील समथिंग। ओके, उसके आगे लिखा है थाइपे चपियन द च्याउथोंग फे छांग पियनली, मतलब कि जो थाइपे की जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे ये जो च्याउथोंग है इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, उसके बाद लिखा है फेछांग, फेछांग मतलब एक्सट्रीमली। नेक्स्ट इज पियनली, पियनली मतलब कन्वीनियंट। ओके, सो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो चंगमे है उसको लगता है जो थाइपे की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, या आप कह सकते हो कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है यहाँ की, थाइपे की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत ही इजी हैं। इसके बाद लिखा है तउ छू तो यो कुंग छ, तउ छू का मतलब होता है एवरीवेयर। ओके, तो यो कुंग छ, यहाँ पे कुंग छ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज पब्लिक बसेस। ओके, सो जो पब्लिक बसेस हैं वो हर जगह हैं। ओके, हर जगह अवेलेबल है पब्लिक बसेस थाइपे में। ओके, उसके बाद लिखा है छू जू छ मतलब टैक्सी, टैक्सी भी है। हायो और क्या है, चियेयुन मतलब एमआरटी। तो मतलब जो थाइपे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, यहाँ पे एक तो पब्लिक बसेस अवेलेबल हैं हर जगह। ओके, यहाँ पे टैक्सीज अवेलेबल हैं और यहाँ पे एमआरटी जो कि मेट्रो है वो भी अवेलेबल है, तो बहुत ही जो इजी है, जो यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो यहाँ की बहुत ही इजी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन। छिव नाली तो हन फांग पियन, मतलब कि आपने कहीं भी जाना है बहुत ही कन्वीनियंट है, अगर आपको थाइपे में कहीं भी जाना है यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कन्वीनियंट है, आप कहीं भी जा सकते हो। ओके, जैसे कि ऊपर वाली लाइन में वो बता रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक बसेज हैं, मेट्रो है, यहाँ पे टैक्सीज हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही कन्वीनियंट है कहीं भी जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। थाइपे चियेयुन द लुशियन पुफू चा, यहाँ पे थाइपे चियेयुन मतलब कि थाइपे एमआरटी। ओके, थाइपे की जो मेट्रो है उसके बारे में बात हो रही है। थाइपे मेट्रो की जो लुशियन है, ये लुशियन का क्या मतलब है,
लुशियन का मतलब होता है जी रूट, ओके, वहां की जो रूट है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पू फूसा, फूसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ये। आगे बढ़ते हैं, कॉमा के बाद लिखा है छ फ्याओ, ये पुकोए, मतलब कि जो फेयर है, मतलब जो टिकट का जो प्राइस है, आप कह सकते हो फेयर भी कह सकते हो आप, ठीक है, वो भी एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब वो भी सस्ता है, पुकोए मतलब नॉट एक्सपेंसिव। सो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो चंगमे है उसको लगता है कि थाईपे की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही ईजी है, ओके, और हर जगह पब्लिक बसेज अवेलेबल हैं, टैक्सीज अवेलेबल हैं और एमआरटी अवेलेबल है, ओके, एमआरटी मतलब मेट्रो अवेलेबल है, ओके, और कहीं भी जाना हो बहुत ही कन्वीनियंट है। उसके बाद लिखा था कि जो थाईपे मेट्रो की जो रूट है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, ओके, फूफूजा जो लिखा था, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और लास्ट में लिखा है कि जो फेयर है, जो मतलब टिकट है, वो भी महंगी नहीं है, वो भी सस्ती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या चाइनीज लैंग्वेज में किसी और चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे कॉमेंट भी कर सकते हो और मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, आप चेक कर सकते हो, ओके, एंड प्लीज इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो जरूर करिए, क्योंकि वहां पे भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ चाइनीज लैंग्वेज से रिलेटेड, ओके, कुछ वोकैबुलरी हो गई, वीडियोज हो गई, मैं वहां पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं।